3 बज चुके हैं, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। फतेहपुर से बड़ी खबर है, गंगा नदी में नहाने गए 7 लोग डूबे हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 का रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर है फतेहपुर से, गंगा नदी में नहाने गए 7 लोग नदी में डूबे हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गोताखोरों ने 3 लोगों को बाहर निकाल लिया है। मृतकों में 2 युवक और 2 युवती बताई जा रही हैं। शादी समारोह में शामिल होने गए थे ये सभी लोग, और सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो फतेहपुर से ये बड़ी खबर है, नदी में नहाने गए 7 लोगों में से 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बड़ा हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी लोग गए थे और नदी में नहाते वक्त ये हादसा हुआ है। 4 लोगों की बताया जा रहा है मौत हो गई है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जो मृतक है उसमें 2 युवक और 2 युवतियां बताई जा रही हैं। फिलहाल इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख प्रकट किया है। गोताखोरों ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचा ली गई है, फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 7 लोग नदी में नहाने गए थे तभी हादसा होता है और 7 लोग डूबने लगते हैं, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, गहरा दुख प्रकट किया है, घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो फतेहपुर से बड़ी खबर है, नदी में नहाते वक्त 7 लोग डूब रहे थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 2 युवक और 2 युवती मृतकों में बताई जा रही है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया है, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, 35 माफियाओं को किया गया है चिन्हित, 25 भू माफिया और 4 आपराधिक माफिया, 7 गौ तस्कर।